प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपना जन्मदिन शिव की नगरी वाराणसी में मनाया। मोदी ने अपना समय बच्चों के साथ गुजारा और फिर बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। आज पीएम मोदी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के परिसर में काशी की जनता को अपने 4.5 साल के कार्यकाल का हिसाब दिया। मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत काशी के पारंपरिक उद्घोष के साथ शुरू की। पीएम मोदी संबोधित तो वाराणसी की जनता को कर रहे थे, लेकिन उनकी नजर पूर्वांचल के सियासी समीकरण पर थी। बीजेपी को 2019 के चुनाव में यूपी का महत्व भली भांति पता है, इसीलिए वो वाराणसी के विकास की चर्चा करने से नहीं चूके। बीजेपी की काट के लिए अब कांग्रेस भी हिंदुत्व का कार्ड खेल रही है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जब भोपाल में रोड शो कर रहे थे तो पोस्टर में राहुल को शिव भक्त के तौर पर दिखाया गया। उनका स्वागत शंख बजाकर किया गया। कार्यकर्ताओं से संवाद के दौरान उन्होंने अपने कैलाश मानसरोवर यात्रा का जिक्र भी कर दिया। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी हाल ही में कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर लौटे और अब बीजेपी और कांग्रेस में इस बात की होड़ लगी है कि कौन बड़ा शिव भक्त है। इसीलिए बहस की शो बताना तो पड़ेगा मैं आज का हमारा सवाल कि सबसे बड़ा शिव भक्त कौन और क्या शिव भक्ति से ही मिल जाएगा 2019 में जनता का वोट। इसीलिए आज इस सवाल के साथ मेहमानों के साथ हम चर्चा करें। सबसे पहले मैं आपको मेहमानों से मिलवा देती हूं। हमारे साथ आज इस मुद्दे पर रहेंगे नीलकंठ तिवारी जी, एमएलए हैं बीजेपी वाराणसी से। मैं आपको बता दूं दक्षिण बनारस से एमएलए हैं और कल पीएम के कार्यक्रम के दौरान भी पूरे वक्त वहां पर थे। रोहन गुप्ता कांग्रेस से हमारे साथ अब से कुछ देर में जुड़ेंगे। हमारे साथ कांग्रेस से रहेंगे रोहन गुप्ता, स्वागत सर। जूही सिंह जी हमारे साथ नोएडा स्टूडियो से जुड़ी हुई हैं, स्पोक्स पर्सन है एसपी की। संगीत रागी जी आरएसएस के जानकार हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और आलोक मेहता जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इस डिबेट में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अभी हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हैं, लेकिन सबसे पहले मैं जूही जी आप ही के पास आ जाती हूँ। जी मैम, ये तो अब 2019 का जो चुनाव है वो मैं पूर्वांचल की तरफ से सियासी समीकरण शुरू कर दूं, क्योंकि आज जैसे जो उद्घोष पीएम का था वो तो सीधा सीधा मतलब मैं बड़ा शिव भक्त या विपक्ष का हिंदुत्व कार्ड ज्यादा इम्पोर्टेंट, यही सब समझाते हुए सीधे सीधे चुनावी चाल ही चल रहा था। माधुरी, उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री हटाएगा और नई सरकार बनाएगा, और शिव ही सत्य है, सत्य ही सुंदर है। तो अगर प्रधानमंत्री जो कुछ वहां बोल रहे थे वो सत्य होगा तो शिव आशीर्वाद देंगे, नहीं तो फिर तीसरी आंख भी खुल सकती है, क्योंकि बहुत सारे वायदे पूरे नहीं हुए। अब आपके साथ वहां के एमएलए बैठे हैं, इनकी तो ट्रिपल इंजन की सरकार थी, वहां नगर निगम भी था इनके पास, लेकिन काशी की ऑटो बना नहीं। गंगा में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑलरेडी इतना कचरा अभी जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा गया है। माँ तो माफ कर सकती है, लेकिन भाई बहन तो जवाब लेंगे कि आपने किया क्या। आपके 4 पुल थे, एक भी पुल नहीं बना है, एक पुराना पुल आपने उसका, और शिलान्यास का आज के दिन में क्या मतलब है, 2019 सामने है, तो अपने वादे पूरे कीजिए। न गंगा साफ हुई, न पुल बने, न काशी की ऑटो बना। आपने बताया कि बाबरपुर एयरपोर्ट से कितने लोग आ रहे हैं, उससे जनता का क्या मतलब। सुविधाएं कौन सी बनी, एलईडी लाइट्स, समाजवादी पार्टी में 1 करोड़ एलईडी लाइट्स ऑलरेडी बट चुकी थी, और को केंद्र सरकार ने एक अवार्ड भी दिया था आप ही की सरकार ने। अब आज आप उसी को कोट कर रहे हैं। वाराणसी में हत्या, बलात्कार, लूटपाट सिलसिला बहुत बढ़ गया है और लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है। तो मुख्यमंत्री को भी प्रधानमंत्री थोड़ा समझा दें कि मठ से निकलकर सुशासन भी करें, अच्छा रहेगा। जी माधुरी, चलिए मेहमान हमारे साथ जुड़े, लेकिन उससे पहले मैं रागी जी के पास आऊंगी। रागी जी, ये सबसे बड़ा शिव भक्त तो समझ में आता है, लेकिन जनता को क्या ये काशी प्रयोग से ही जनता के वोट इस बार डाइवर्ट होंगे? रागी जी, आपका ऑडियो पहुंच नहीं पा रहा है। मैं आलोक मेहता जी के पास जा रही हूँ। मेहता सर, क्योंकि लगातार हम डिस्कस कर रहे थे, चलिए कल भोपाल में हमने राहुल गांधी को देखा। राहुल गांधी जी ने मतलब जब मैंने कांग्रेस के प्रवक्ताओं से बात की तो उन्होंने कहा कि ये जो रोड शो था, मैंने पूछा क्या ये धार्मिक रोड शो बना दिया आपने, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये धार्मिक रोड शो नहीं था, ये चुनावी रोड शो था जिसका आधार धर्म था। अब ये हिंदुत्व का कार्ड उनको लेने की जरूरत पड़ रही है, लेकिन आज जब काशी की तरफ से हवाएं चली तो लगता है कि महागठबंधन को मात दे पाएगी बीजेपी। देखिए, मैं अभी बहुत जल्दी होगा ये कहना कि किसको मात दे पाएंगे, लेकिन ये सही है कि विकास फिर भी मुद्दा रहेगा, चाहे वो राहुल गांधी जाए, चाहे वो मध्य प्रदेश में गए, तो वहां पर भी लोग अपेक्षा जो करते हैं उससे आकलन करेंगे। खाली ये यदि भीड़ आती है, वैसे रोहन गुप्ता जी भी आएंगे, लेकिन हर जगह शिव भक्त राहुल गांधी, इसके पोस्टर लगाने से नहीं होगा। जूही जी यहाँ बैठी है, मैंने कभी याद नहीं पड़ता कि मुलायम सिंह जी भी बड़े हनुमान के भक्त रहे, भगवान के भक्त रहे, लेकिन उनके तो कभी बोर्ड ऐसे नहीं देखे, राजीव गांधी या इंदिरा गांधी के हमने नहीं देखे।
मेरा ख्याल है मोदी जी तो शुरू से ही, चूंकि काशी से ही उनका, बल्कि जो मेरी जानकारी है, इवन जब संघ में भी थे तो वो काफी समय अपने प्रारंभिक जीवन में भी कराची से उनका लगाव रहा है। ये समीक्षा जरूर उनको करनी होगी मुझे ऐसा लगता है, जो अभी भी शायद कह रही थी कि, और अभी चूंकि तिवारी जी वहाँ MLA मौजूद है। देखिए मोदी जी एक प्रधानमंत्री के नाते या एक सांसद के नाते भी, जितना आज भी उन्होंने बहुत सारी बातें कही, कुछ गिनाया भी कि हमने ऐसा किया है, लेकिन यदि विधायक या जो वहाँ के नगर निगम है, दिल्ली का भी उसका उदाहरण है, यदि, और जो मोदी जी खुद भी कहते हैं या राहुल गांधी भी शायद कहते हैं अपनी पार्टी के, आप लोग काम करिए, यदि वो लोग नहीं करेंगे तो इस महागठबंधन कहिए गठबंधन कहिए, वो उनके लिए भी एक सिरदर्द होगा। रायबरेली अमेठी में हम देख चुके हैं ना, वहां यदि काम नहीं हुआ तो नुकसान हुआ। मोदी जी ने प्रयास किए हैं, बड़ी घोषणाएं भी की है, और वहां एक बड़ा महाकुंभ जिसको कहना चाहिए होने वाला है प्रवासी भारतीयों का, ये भी घोषणा की। उसके लिए वाराणसी को अच्छा बनाए, उत्तर प्रदेश को अच्छा बनाए। यदि वो मुख्यमंत्री मठ में यदि आए हैं लेकिन खाली धार्मिक आधार पर यदि चुनाव जीतने का सोचेंगे तो शायद मोदी जी भी ऐसा नहीं सोचते हैं, और उनका चेहरा दिखा करके कि खाली भगवा कपड़ा पहनने से कुछ हो जाता है, तो कपड़ा पहन करके तो कई साधु हो तो वहां भी, मध्य प्रदेश में भी मांग रहे हैं कि टिकट हमें दे दीजिए। तो इसलिए माधुरी जी मुझे ऐसा लगता है कि शायद मोदी जी भी चाहेंगे विकास जो काम वो कर रहे हैं, जो घोषणाएं की है वो अमल में आए, तो उसका लाभ मिल सकता है। निश्चित रूप से राहुल गांधी अभी केवल ये शिवभक्त कहला करके उसका फायदा नहीं उठा पाएंगे। रागी जी का संपर्क हमसे हो चुका है। रागी जी, ये 500 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास, 100 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण, आपको लगता है कि अब 6 महीने पहले ये सब करने का कोई मकसद निकलेगा? वाकई पूर्वांचल को साध कर आप 2019 का जो बीजेपी देख रही है सपना, अब जनता सवाल भी तो पूछेगी। देखिए, मैं आपसे, आपने पहले एक सवाल किया था शिवभक्त के बारे में, मैं आपसे कह रहा हूं कि नकल करने से कोई शिवभक्त नहीं हो सकता है। राहुल गांधी जी आदरणीय प्रधानमंत्री की नकल करना चाहते हैं और अपने आप को बताना चाहते हैं कि शिवभक्त वो हैं, वरना ये इस प्रकार के पोस्टर लगाने की कोई बात नहीं थी। और जो नकल होता है वो असल नहीं होता है। मैंने कहा कि अमिताभ बच्चन यदि नकल करके मौलवी का रूप धारण कर लें तो सबको जानता है वो हिंदू ही हैं। तो और यदि शाहरुख खान यदि जो है वो रूप धारण करके पुजारी का काम करने लगे तो भी जानता है कि उनका धर्म क्या है। वैसे ही राहुल गांधी जी चाहे जहां भी भटक लें, लोग जानता है कि राहुल गांधी असलियत में क्या चीज है। एक दूसरी बात, यदि आप बनारस को या वाराणसी को आप 5 साल पहले जाकर के आप देखेंगे तो, और आज देखेंगे तो, आपको जमीन आसमान का अंतर नजर आएगा। सड़कों की चौड़ाई हो रही है, एयरपोर्ट से लेकर के जो रिंग रोड वगैरह ये सब सारे जो निर्माण हो रहे हैं उसमें खासा अंतर देखा जा सकता है। आप जरा रिंग रोड का फेस टू रुक गया है, मुआवजा नहीं दिया गया है सर, आप गए नहीं है वाराणसी बनारस 5 साल में। एक चीज और, रिंग रोड का फेस टू रुका हुआ है सर। माफ कीजिएगा आप लोगों ने, हाँ हमारे पर बोलिए ना सर, तो हम भी जब अखिलेश जी की सरकार थी तो अभी तो सर आपने कहा 5 साल में काया पलट हो गया है, आपकी सरकार तो 2 साल की है ना, स्थिति में वाराणसी को छोड़ रखा था तो किस स्थिति में, किस स्थिति में सर, तो आप क्या अवार्ड गलती से दे रहे थे केंद्र सरकार में, अखिलेश जी की सरकार को आप गलती से दे रहे थे? रिंग रोड का फेज टू किसान आंदोलन कर रहे हैं, आप रिंग रोड के फेज टू को रोक कर बैठे हैं और आप कह रहे हैं काम हो रहा है, पुल गिर जाता है, आप MD को हटा भी नहीं पाते और आप कहते हैं काम हो रहे हैं नेशनल टेलीविजन पर। हाँ नहीं नहीं सर, नेशनल टेलीविजन मौका आप देंगे, संवाद का समय है, आज भी नहीं बोलूंगी तो कब बोलूंगी नेशनल टेलीविजन पर, इतना तो मौका। आज जो वाराणसी की स्थिति है उसमें आप किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए, सर मैं वाराणसी जाती आती हूँ आपकी तरह, मैं कितना बड़ा अंतर आया है, विदेश और बात नहीं करती हूँ, उत्तर प्रदेश की हूँ, मुझे पूछने की जरूरत नहीं है, वाराणसी से मेरे ताल्लुक है। वाराणसी जैसे शहर को, वाराणसी का हैंडलूम सेक्टर बैठ चुका है, पावर लूम रिप्लेस कर चुका है, बिजली आती नहीं है, बुनकर बेरोजगार हो रहे हैं, केंद्र भूमि है,
अभी पिछले साल आपने बताया कि आप कोई म्यूजियम बना रहे थे हैंडीक्राफ्ट का, वो भी बंद हो गया, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी बंद हो गया। जरा मुझे बताइए, गंभीर कदम हम कह सकते हैं जिसको उन्होंने वहाँ पर उठाया हो, कौन सा गंभीर कदम? अखिलेश प्रसाद यादव की सरकार ने वहाँ के लिए अभी तो आपने कहा 5 साल में बदल गई, तो हम क्रेडिट पूरा लेते हैं, जो देता है वो लेते हैं और जो करते हैं उसका भी क्रेडिट पूरा लेते हैं। आप ही ने अवार्ड दिए थे। नहीं नहीं नहीं, मैं आप गंगा साहब कितनी हुई सर, आप तो इतने वचन करते हैं कि इलाहाबाद में अर्धकुंभ होने वाला है। योगी जी को यही नहीं पता उन्होंने महाकुंभ बना दिया। योगी को करेक्ट करिए, जरा सुन तो लीजिए। नहीं सर, हम क्यों सुने? नहीं 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 नहीं, आज तो हमारे बोलने का मौका है, आप सुन लेना। योगी जी को कहिए फाइल पड़े, प्रधानमंत्री केवल सांसद है। डाली है, हाँ ये क्या देश नहीं जानता है? देश को भी बता देंगे सर। गंगा की सफाई अभियान में भी कितनी राजनीतिक कारणों से, जैसे योगी जी कहते हैं बजट का रीअलॉटमेंट नहीं किया हमने सर, की बंदर भगाने के लिए हमने कहा कि हनुमान चालीसा पढ़ने दीजिए, ये सब नहीं कहा हमने। हमने ये नहीं कहा कि बेरोजगारी है तो अयोग्य लोग हैं। ये योगी जी की PhD है, योगी ज्ञान यूनिवर्सिटी की। जूही जी, जरा आप रागी भाई बोले, आप क्यों नहीं मानते? हम बिल्कुल नहीं मानते, क्यों नहीं मानते कि समाजवादी पार्टी का जो शासन था वो यादवी समाजवाद के अतिरिक्त और कुछ नहीं है? क्या क्या सर? यादवी समाज, आप लोगों ने समाजवाद की तौहीन कर दी। आप यादवी समाजवाद ले आए, एक ही प्रकार की जाति को विभिन्न पदों पर बिठाया। आप लोगों ने पैसे लेना, पैसे लेकर के काम करवाना सर, कोई प्रूफ दे दीजिए, पैसे लेकर के काम करना और करवाना जो है जेल भेज दीजिए, नहीं तो चुप रहिए। अगर प्रूफ बन गया तो चुप रहिए सर। नहीं नहीं नहीं, अगर आपके पास उसका प्रूफ है तो नेशनल टेलीविजन पे बताइए पैसे किसने दिए, पैसे किसने लिए, नहीं तो आप भी भागीदार होंगे उस भ्रष्टाचार के। आप भ्रष्टाचारी को छुपा रहे हैं शासन में, इधर से उधर करने के लिए बहुत आगे तय की जाती थी। आज कम से कम, सर आपने दी क्या? कम से कम योगी जी ने दी क्या? ऑर्गेनाइज्ड कंस्ट्रक्शन कार्य हो रहे थे गोरखपुर में और अयोध्या में, उसमें योगी जी ने दी को जेल की हवा देखनी पड़ी है, या वो अपने 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 अंतिम स्थान को प्राप्त कर गए हैं? ये इस शासन की सफलता है, आप इसको अप्रिशिएट कीजिए। राजनीतिक होने का मतलब ये नहीं है कि दूसरे के द्वारा काम का आप अप्रिशिएशन है एनकाउंटर पे। ठीक है जूही जी, क्यूटो मॉडल की बात हुई, जापान से समझौते की बात हुई कि काशी को हम ये बनाएंगे, तो ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी काम नहीं हुआ है? और आपको आज ऐसा नहीं लगा कि जब भाषण हो रहा था तो वो सीधे सीधे पूर्वांचल से होते हुए दिल्ली तक का रास्ता तय करने की कोशिश थी? माधुरी जी, कोशिश तो वो लोग करते ही रहेंगे, लेकिन कोशिश अब कामयाब होगी नहीं। उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री को और सरकार को बदलेगी, और इनके खुद के मेयर कह चुके हैं कि नहीं, हमने क्योटो की बात ही नहीं की थी, हम तो ऐसे ही कह दिए थे। तो कठिनाई ये है कि 15 लाख काशी क्योटो, गंगा माँ को साफ करना, रिंग रोड का फेज रुका हुआ है, तरह तरह के बिना सबूत के आरोप प्रत्यारोप, पूर्वांचल तो दिशा और दशा तय करेगा ही, लेकिन गठबंधन और समाजवादी पार्टी स्ट्रांग है, तो इसलिए आप अपनी चिंता करिए और सचमुच के काम बताइए, आरोप प्रत्यारोप करने से। मेरे साथ कांग्रेस के मेहमान जुड़े, उससे पहले आलोक मेहता जी सर, यूपी का रास्ता दिल्ली और दिल्ली जो माफ कीजिएगा, दिल्ली का रास्ता यूपी से और यूपी का रास्ता जो है वो झूठ बंधन है। लगता है कि आज जो काशी क्रांति करी है, जो शंखनाद हुआ है, उससे वो सीटें लॉक हो जाएंगी कि जनता इस बार जवाब मांगेगी, या सिर्फ बात से काशी में काम चल जाएगा? देखिए माधुरी जी, एक बात तो मानना होगा, चाहे जूही जी बने, कई लोग भावुक हमारे भारत में जो जिसको कह रहे हैं आज भी गरीब लोग हैं, पिछड़े हैं, जो विकास भी चाहते हैं, लेकिन साथ साथ वो भावुक भी रहते हैं। आप याद करिए, पहले भी चाहे बहन मायावती जी को मिला हो या मुलायम सिंह जी को मिला हो, खास करके बिहार में तो 15 साल लालू जी राज कर गए, तो ये मत मानिए कि देखिए मोदी जी ने भी जो एक आकर्षण रहा है वो आज भी उनका है, उनका प्रभाव है। सांसद के नाते आज जिस ढंग से वो अपनी बातें कह रहे थे, जनता को निश्चित रूप से उसका एक असर होता है। उनको लगता है कि हमारे इनकी इंटेंशन अच्छा है। देखिए, आधे लोग, जनता तो हमें जानती है कि आशा पर बहुत सारा टिकता है, लोगों को लगता है कि उम्मीदें जगाते हैं, उम्मीदें पहले भी जगाई गई, कुछ काम जैसा अभी कहा गया जहां नहीं हुआ है, हम भी उससे सहमत है, और शायद इसीलिए उन्होंने समीक्षा भी की होगी,
नहीं की होगी तो और भी करना चाहिए आपका घर कम देख करके। जो कमियां हैं उनको मानना पड़ेगा, अभी साल भर है। लेकिन आपने ठीक कहा, अखिलेश जी ने ये बल्कि शुरुआत में उस समय कहा था जो चुनाव था, देखिए दिल्ली से ही वहां से ही रास्ता यूपी से ही दिल्ली का रास्ता जाता है। और मोदी जी की एक विशेषता ये जरूर है कि वो बड़ी दूरगामी रणनीति बनाते हैं, जितना हम लोग पत्रकार के नाते देखते रहे हैं। वो तत्काल, जैसे कहते ना अभी अभी हम आखिरी दिन में तय कर लेंगे आगे कौन हमारा उम्मीदवार होगा, वैसे समाजवादी अपने उम्मीदवार तय किए, लेकिन मोदी जी साल साल दो दो साल पहले की अगले खास करके चुनावी रणनीति आगे भी तय करते हैं। तो उन्होंने शंखनाद किया है, उन्होंने वाराणसी से ही अपना, चूंकि जहां से वो सांसद है पहला, जैसे कहते हैं ना मैं सांसद के रूप में ये आपको पेश करूं, आज उन्होंने बहुत सारी बातें कही। तो वो अपने दूसरे पार्टी के लोगों को भी दिखाना होगा, 80 सीटों में दूसरे सांसदों को, योगी आदित्यनाथ जी तो अपने वहां सब कुछ गंवा चुके हैं, उनके अपने मठ के इलाके में पूरा बुरी तरह चुनाव आ चुके हैं। तो उनको समीक्षा करनी होगी कि हमारी अपने संसदीय क्षेत्र को कैसे बचाना है। तो ये संदेश भी मोदी जी ने स्ट्रांगली शायद दिया है कि देखो मैं अपना हिसाब देता हूं। उन्होंने बल्कि ये भी कहा मेरी कमियों का हिसाब देने के लिए मैं आया हूं और मैं दूंगा, आप लोग उसी पर तय करिए। तो देखिए हम और आप यदि तारीफ भी कर देंगे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जनता को वो कह चुके हैं कि मेरा जो काम है उसको देखा जाए। तो ये काम उनके लोगों को, उनके सिस्टम को करना होगा। यदि समाजवादी पार्टी पहले भी कहीं हारी है तो उसकी वजह है कि उन्होंने कहा अखिलेश जी चाहा नहीं काम हुआ, या किसी ने लूट लिया, या उनके परिवार के लोगों ने कोई नुकसान कर दिया, आज भी कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये दिल्ली का रास्ता जरूर उन्होंने शंखनाद कर दिया है। बिल्कुल शंखनाद तो हो गया, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये भी सुना दूं, कुछ और मेहमान जुड़े उससे पहले मैं आपको सुना दूं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह से गर्जना की, और आज उनके जो तेवर थे वो चुनावी भाषण के ही तेवर नजर आए। सौभाग्य की बात है, देश के लिए समर्पित एक और वर्ष की शुरुआत मैं बाबा विश्वनाथ और मां गंगा के शुभ आशीष से कर रहा हूं। सवा चार वर्ष पहले जब काशीवासी बदलाव के संकल्प को लेकर निकले थे, तब और आज में अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। आज मुझे बहुत संतोष है कि बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद से हम वाराणसी को विकास की नई दिशा देने में सफल हुए। इससे पहले ये तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे जिन्होंने अपना उद्घोष हर हर महादेव से किया। देखिए पिछले 2014 के जब चुनाव हुए तो गंगा के नाम पर एक बड़ा मुद्दा बनाया गया, गंगा सफाई को, और मां गंगा ने मुझे बुलाया है इस पर शुरुआत हुई थी। लेकिन इस बार हर हर महादेव की जरूरत पड़ी। इससे पहले जब कल भोपाल में रोड शो के बाद कार्यकर्ताओं को संवाद के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के अनुभव को शेयर किया, और वो भी हिंदुत्व का कार्ड खेलना नहीं भूले। सभी कार्यकर्ता राहुल जी जानना चाहते हैं कि जब आप कैलाश मानसरोवर गए तो बीजेपी के पेट में बहुत दर्द हुआ, वो लगातार ये कहते रहते हैं कि सिर्फ आप कब से हो रहे राहुल जी, तो कार्यकर्ता जानना चाहते हैं आपके कुछ संस्करण जो आपने कैलाश यात्रा के दौरान एक्सपीरियंस किया। हाँ जो कैलाश जो पर्वत है और जो मानसरोवर है, अगर व्यक्ति वहां चला जाता है तो एक प्रकार से वापस आने पे सब कुछ बदल जाता है, बदल जा रहा है, सोच बदल जाती है और एक गहराई से आ जाती है। कांग्रेस प्रवक्ता रोहन गुप्ता जी जुड़ गए हैं। रोहन गुप्ता जी, कैलाश मानसरोवर यात्रा के संस्मरण बहुत ज्यादा नहीं सुना पाए राहुल गांधी जी, बट सर अब तो पूरा चुनाव हिंदुत्व वर्सेस हिंदुत्व दिख रहा है, पक्ष भी वही विपक्ष भी वही, और अब तो लड़ाई भी सबसे बड़े शिव भक्त की है। फिर कल तो राहुल गांधी जी को एक अच्छा खासा संस्मरण सुनाना चाहिए था, वो सुना नहीं पाए, क्यों?
गडकरी जी, राहुल गांधी जी कैलाश मानसरोवर अपनी व्यक्तिगत आस्था के तौर पर गए थे उसमें, उसको मुझे नहीं लगता है कि हर चीज में हमको राजनीति से जोड़ना चाहिए। जहां तक कांग्रेस की बात है, हम लोग कभी भी धर्म या जाति के नाम पे वोटों की बात हमने कभी भी नहीं की, उसका हमको खामियाजा भी भुगतना पड़ा होगा, पर ये हमारी आइडियोलॉजी नहीं, हमारी विचारधारा नहीं है। राहुल जी जो बीजेपी कर रही है उसको उन्होंने एक्सपोज किया है कि जो बीजेपी कभी जब उनको लगता है कि विकास का जुमला नहीं चल रहा है तो हम हिंदू मुसलमान करेंगे, कभी लगता है ये नहीं चल रहा है तो आपस हम इसकी बात करेंगे। डिवाइड एंड रूल, अंग्रेज चले गए और इनको छोड़ गए, वो अब हम होने नहीं देंगे। देश की जनता को मालूम होना चाहिए कि उनका वोट काम पे होना चाहिए, और ऐसे इश्यू जहां पे उनकी धार्मिक भावनाओं को भड़काकर हम काम नहीं करेंगे, पर धार्मिक भावनाओं को भड़काकर वोट लेंगे, ये कांग्रेस नहीं होने देगी। जो भी, अगर कांग्रेस काम नहीं करती है आप कांग्रेस को वोट मत दीजिए, पर जो भी काम करेगा वोट उसको ही मिलेगा, धार्मिक भावनाओं को भड़का के वोट नहीं होगा, ये हमारी राजनीति की आगे की रणनीति हो। ठीक है, धार्मिक भावनाओं के आधार पर काम नहीं होगा। रागी जी जवाब दे दीजिए, मुझे ब्रेक लेना है। ऐसा है कि यदि राजनीतिक इसका उपयोग नहीं करना था तो फिर जो मध्य प्रदेश के अंदर जो उनको शिवभक्त पोस्टर लगाए गए वो क्यों लगाए गए थे? और दूसरी बात, राहुल जी मानसरोवर का शिवभक्त में क्या कह सकते हैं? अगर मैं हिंदू हूं लिखा हुआ है शिवभक्त नहीं बोल सकता, तब तक वो बात ही नहीं कर पाते हैं, तो वो आस्था की बात को बात ही कैसे कर सकते हैं? तो राजनीतिक यात्रा भी तोड़ने की बात नहीं, राजनीतिक यात्रा में भावनात्मक किसी को तोड़ने की बात ढूंढना चाहते हैं तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। राहुल गांधी जी, हमने हमारी राहुल गांधी जी को लगता है यदि उनमें कोई अंतर आया होता नफरत तो मुझे ये पता होता वो विश्वमन नहीं कर रहे होते, वो यहाँ पर आकर के लौट करके घृणा की राजनीति को प्रोत्साहन नहीं दिए होते। गुजरात में जो कुछ भी उन्होंने किया वो हिंदुओं को तोड़ने और हिंदुओं को लड़ाने की बात की, कर्नाटक में जो कुछ किया वो हिंदुओं को तोड़ने की बात की, कर्नाटक के अंदर PFI जैसे आतंकवादी संगठन को राहुल गांधी ने प्रश्रय दिया, इनकी पार्टी मुस्लिम लीग के साथ नीलकंठ तिवारी जी भी जुड़ गए हैं। बहुत लेट हो गए आज, शायद बनारस की सड़कें चौड़ी नहीं हो पाई।